चैप्टर 5 द स्केलेटल सिस्टम, ये उसकी एक्सरसाइज है। हम क्वेश्चन सी से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट में आपको बोला है बोन्स मूव इन वन डायरेक्शन ओनली। किस में बोन्स आपके सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव कर सकती है, यानी कि कौन से जॉइंट में? तो हिंग जॉइंट है ये। कौन सा जॉइंट है? हिंग जॉइंट। इसमें बोन्स जो हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाती हैं। ये जॉइंट आपका कहाँ पर होता है? आपकी नी में, यानी कि घुटने में, और आपकी एल्बो में, यानी कि आपकी कोहनी में। ये हिंग जॉइंट होता है। सेकंड में आपको कहा है इट हेल्प्स इन द मूवमेंट इन एवरी डायरेक्शन। ये आपको हर डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। तो ये कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जॉइंट जो है ये आपके कंधे में, यानी कि शोल्डर में और हिप में होता है। नेक्स्ट है बोन्स ऑफ स्कल आर जॉइंट टुगेदर बाय दीज जॉइंट्स। स्कल की बोन्स कौन से जॉइंट से जुड़ी हुई होती हैं, तो आपको बताना है। तो ये कौन सा है? सचर्स। इसके बाद है द जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्मॉल बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल। हमारी रिस्ट कलाई में और एंकल में कौन से जॉइंट से छोटी छोटी बोन्स जुड़ी हुई होती हैं, तो ये कौन सा जॉइंट होता है? आपका ग्लिडिंग जॉइंट। अब नेक्स्ट है अनस्क्रैम्बल। आपको इन्हें अनस्क्रैम्बल करना है, यानी कि आपको इसकी स्पेलिंग को सही करना है और बताना है कि ये क्या है। तो आपको स्पेलिंग को ढूंढ के और समझना है। तो ये है आपकी MUSCLES, मसल्स। कौन सी स्पेलिंग है ये? मसल्स। आप काउंट करके चेक भी कर लेंगे कि आपने पूरी लिखी है या नहीं। इसके बाद ये है, क्या है? ये है जॉइंट, JOINT। नेक्स्ट है आपका स्कल, SKULL। इसके बाद है स्केलेटन, SKELETON। आपको स्पेलिंग को ध्यान से मैच करना है और फिर काउंट करके देखना है कि आपने पूरा लिख लिया है या नहीं। क्वेश्चन ई, फिलप्स, आपको इन्हें फिल करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है रिब्स विच आर नॉट जॉइंट टू द ब्रेस्ट बोन आर कॉल्ड डैश रिब्स। कौन सी रिब्स हैं जो आपकी ब्रेस्ट बोन से नहीं जुड़ी हुई होती हैं, ये कौन सी बोन्स हैं? तो ये आपको मैंने बताया था दो पेयर होते हैं ऐसे, तो वो कौन कौन से होते हैं? उन्हें कहते क्या हैं? फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है इन्हें, जो कि आपकी ब्रेस्ट बोन से नहीं जुड़ती हैं। नेक्स्ट है बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट ए जॉइंट बाय ए टिश्यू। आपके बोन्स जो हैं वो मिल जुड़ते हैं एक दूसरे से, यानी कि बोन से बोन जुड़ता है किससे? कौन से टिश्यू से? आपको मैंने बताया था कि ये कौन सा टिश्यू होता है, ये होते हैं लिगामेंट्स, LIGAMENT, लिगामेंट। लिगामेंट ऐसा जॉइंट है जो कि बोन को बोन से जोड़ता है। इसके अलावा मसल को बोन से जोड़ने वाला कौन होता है? टेंडन। तो आपको ये दोनों ही नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट आपको बोला है डैश जॉइंट हेल्प्स टू हैव रोटेटिंग मूवमेंट फ्रॉम साइड टू साइड। कौन सा जॉइंट हमारी हेल्प करता है हमें रोटेशन में, यानी कि साइड की तरफ भी हम अपनी मूवमेंट कर सकते हैं और रोटेट करके भी कर सकते हैं, तो ये कौन सा जॉइंट होता है? ये है पाइवट जॉइंट, जो आपकी नेक में होता है, PIVOT, पाइवट जॉइंट। नेक्स्ट है ए फैटी सब्सटेंस डैश इज प्रेजेंट इन सर्टेन बोन्स। हमारी कुछ बोन्स में एक फैटी सब्सटेंस होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है बोन मैरो, BONE, बोन, MARROW, बोन मैरो। नेक्स्ट आपको टिक और क्रॉस करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द बिगेस्ट बोन इन द बॉडी इज थाई बोन। जो सबसे बड़ी बोन है वो थाई बोन है, तो क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है? तो ये सही है, क्योंकि बिगेस्ट बोन कौन सी है हमारी? थाई बोन है। नेक्स्ट आपसे कहा है कि द स्केलेटल सिस्टम गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी।
जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है। यस इट इज़ ट्रू, ये हमें शेप और सपोर्ट देता है हमारी बॉडी को। द पॉइंट एट विच टू बोन्स मीट, एक पॉइंट जिस पे दो बोन्स जुड़ती हैं उसे जॉइंट कहते हैं। क्या ये सही है या गलत? तो ये सही है, उसे जॉइंट कहते हैं। लास्ट, आवर बॉडी हैज़ 308 बोन्स। क्या हमारी बॉडी में 308 बोन्स होती हैं? नहीं, ये गलत है। कितनी होती हैं? 206। नाउ नेक्स्ट, आपको आपको टिक करना है इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को। फर्स्ट, द हिंग जॉइंट अलाउज बोन्स टू मूव इन डैश डायरेक्शन। जो हमारा हिंग जॉइंट है वो बोन्स को कितनी डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। तो हिंग जॉइंट हमारा कहाँ होता है? एल्बो में और नी में। तो ये हमें सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है, तो वन डायरेक्शन पे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट, द स्कल इज मेड अप ऑफ डैश बोन्स। हमारे स्कल में कितनी बोन्स होती हैं? तो हमारे स्कल में ओवरऑल 8 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट, इस सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस फाउंड इन बोन्स इज कॉल्ड डैश। एक सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस जो हमारे बोन्स में होता है उसे क्या कहते हैं? अभी हमने फिलअप्स में भी किया, बोन मैरो। नंबर ऑफ बोन्स इन अ वर्टिब्रल कॉलम आर, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं? तो हमने देखा था छोटी छोटी बोन्स होती है अराउंड, तो वो कितनी होती है टोटल? 26।